আমার বীচ দৈনিক ভাস্কর রিপোর্টার জাভেদ খান সাহেব তশরিফ লায়ে হ্যাঁ উনকা মানে দরগাহ কমিটি কি ওর সে স্বাগত করতা হুম ওর সাথ হি নবাব সাহেব দোনো স্টেজ কে নজদিক পৌঁছ যায় কা স্বাগত হ্যাঁ আজ তো ইয়কিনন মুরাদ সাহেব লুটেরে বন গে হ্যাঁ বড়ে হসিন লুটেরে বন গে লুট কে লে যা রে আপ সবি কে দিলো কো এক বার তালিয়া হো যায় ইনকে লিয়ে জিন্দগী ক্যা হ্যাঁ সির পানা উঠ জানা হ্যাঁ তো সাঁসো কাজ কর্জ হ্যাঁ জিসে চুকানা হ্যাঁ বনানে বালে বনাতে রে কোঠি ওর বঙ্গলে ইন কলাকার তো আপকে দিলো মে আপনা ঘর বনানা শুক্রিয়া লিজিয়ে মুকাবলা La 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 Ha 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 Hey Kya baat hai Ha La 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 kya baat pradhan ji ek choti si ghazal humne taiyar ki hai aapke kehne par jo mujhe behad pasand hai pesh kar raha hu kaun kehta hai mujhe chhod दिया है उसने क्या बात है कौन कहता है मुझे छोड़ दिया है उसने क्या बात है सानिया जी इसके बाद वो देशभक्ति आपने जो मुझे सुनाई थी उसके दो तीन शेर उनको सुना देना फिर कहानी को नया मोड़ दिया है उसने खूबसूरत हो कोई शय तो नजर लगती है इसलिए दिल को मेरे तोड़ दिया है उस इसलिए दिल को मेरे दिया है उसने हेलो हेलो माची हेलो तुम गुजरो और वक्त ना ठहरी राजू साहब ध्यान रखोगे तो वरना सब भूल जाऊंगी तुम गुजरो और वक्त ना ठहरे ऐसे थोड़ी हो सकता क्या बात याद आओ और दर्द ना उठे ऐसे थोड़ी हो सकता है अजी सब्र किया है शुक्र किया है राजी होकर देख लिया है लेकिन दिल को चैन आ जाए ऐसे थोड़ी हो सकता है लेकिन दिल को चैन आ जाए ऐसा थोड़ी हो सकता सनी जी बोलिए फाकते के हौसले भी बेवकाबी हो गए अच्छा फाकते के हौसले भी बेवकाबी हो गए जाने क्यों तेवर हवा के इनकलाबी हो गए हाँ वो तुमने एक दवा बतलाई थी गम के लिए वो तो जूं का तू रहा पर हम शराबी हो गए दौलत मिली है खो मत जाने मन तुम सो रही हो सो मत ये तो मेरी दास्तान हिजर है यार तुम क्यों रो रही हो रो मत
यार तुम क्यों रो रही है, रो मत। के ताल्लुक ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं, और मेरी खूबी पे रहते हैं यहाँ अहले जहाँ खामोश, मेरे ऐबों पे चरता हो तो घूंघे बोल पड़ते हैं। क्या बात, किसने गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, किसने दिल दुखाया है, ये बालों का स्टाइल बड़ा अच्छा है। वाह, तुमने दुनिया में तमाशा क्या लगा रखा है, जिस्म को ताजमहल जैसा बना रखा है, ख्वामखा छेड़ती रहती हो अपनी जुल्फों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। किसने दिल दुखाया है, क्या बात है बेटा, एक बार फिर से बजाओ। किसने दिल दुखाया है, क्या हुआ बताओ ना, किसने दिल दुखाया है, क्या हुआ बताओ ना। याकूब भाई टाइम हो रहा है, राज जो कुछ है इशारों में बता भी देना। क्या बात बच्चों, राज जो कुछ है इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, हाथ जब उससे आपके पास जरा मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, आग के पास जरा मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, ये दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। मतलब सुनिए, किसने दिल दुखाया है, किसने दिल दुखाया है, क्या हुआ बताओ ना, राजू भाई कहां चले गए। किसने दिल दुखाया है, क्या हुआ बताओ ना, दिल दुखाया है, क्या हुआ बताओ ना, किसने दिल दुखाया है, क्या हुआ बताओ ना, क्यों उदास बैठे हो, क्यों उदास बैठे हो, मेरे पास आओ ना, क्यों उदास बैठे हो, मेरे पास आओ, बदल ना पाएगा, दिल की किस्मत बदल ना पाएगा, और बंधनों से निकलना पाएगा, तुझको दुनिया के साथ चलना है, तू मेरे साथ चलना पाएगा। मैं क्या कह रही हूं, अरे मुझसे दूर रह रह कर, अरे मुझसे दूर रह रह कर,
मुझसे दूर रह कर तुम, मुझसे दूर रह कर मुझको मुझसे दूर क्या है नया रह कर मुझसे दूर रह कर मुझसे दूर रह कर मुझको मुझसे दूर रह कर मुझको यूं सताओ यहां अलग हो गया है इसलिए अलग हो रहा है मुझसे दूर रह रह कर मुझको यूं सताना मुझसे दूर रह रह मुझको यूं सताना मुझसे दूर रह रह कर मुझको यूं सताना जाने मन मेरे दिल को अरे जाने मन मेरे दिल की धड़कने बढ़ाओ राजू भाई इन सब गलत हो रहा है सीधा करने आ गए वो शेर हम महले दिल है कलेजा संभाल बैठे हैं मोहब्बतों के कई जख्म पाले बैठे हैं तेरी निगाह ने मेन माइक कम हो गया है तेरी निगाह ने रस्ते नए निकाल लिए हम आज तक तेरी यादें संभाल बैठे ये मेरे दुश्मन नहीं है दोस्त लोग हैं लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं मैं हर सितम का वारा है आपका सनम मुझको हर सितम गवारा है आपका सनम मुझको लेकिन दुश्मनों से मिल मिलकर दुश्मनों से मिल मिलकर कपिल भाई
जब भी मेरे मेरी राह में हंसकर गुजर गए, वो जब भी मेरी राह से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों की भी चेहरे उतर गए। वो जब भी मेरी राह से हंसकर गुजर गए, कुछ खास दोस्तों के भी चेहरे उतर गए। शेर सुनिएगा। हर सितम गवारा है आपका सनम मुझको, दुश्मनों से मिल मिलकर, दुश्मनों से मिल मिलकर मेरा दिल जलाओ ना। मैं क्या कह रही हूं, अब तलक मोहब्बत में जो हुआ साथ अपने, आप मुझे नवाज रहे उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। बता दीजिए क्या करें, हर जगह की बीमारी है, औरत कमाती आदमी रोता है। अब तलक मोहब्बत में जो हुआ था साथ अपने, अब तलक मोहब्बत में जो हुआ था साथ अपने, मैं भी भूल जाती हूँ। राजा राजू साहब और आप भी, मैं भी भूल जाती हूँ, तुम भी भूल जाओ। मैं भी भूल जाती हूँ, तुम भी भूल जाओ। मैं भी भूल जाती से जल रहे हैं ये, आप टेंशन ना लें, आप लगे रहो, है ना। हाँ साहब, ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। ला 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 हे मिट गया हथेली पर जो लिखा था मेहंदी से, याकूब भाई से तवज्जो। मिल गया मिट गया हथेली पर जो लिखा था मेहंदी से, दिल पे लिख के तुम मेरा, दिल पे लिख के तुम मेरा, नाम अब मिटाओ ना। दिल पे लिख के अब मेरा नाम तुम, जी मैं ये चाहता हूं, मैं कुछ इनको सुनाने से पहले जो तुम रियाज कर रही थी रूम में सुन रहा था देशभक्ति के, दो तीन शेर इनको सुना देना जो बहुत बहुत मुझे बहुत पसंद आया। बस एक शेर के बाद हाँ सुना सुना देती हूँ।
दोनों एक मुद्दत से प्यार के मुसाफिर हैं। प्यार के मुसाफिर है, दूर रह कर क्या होगा, अरे दूर रह के क्या होगा। दिल में घर बनाओ, घंटे से ये प्रेम पत्र मेरे पास आया हुआ है। वो बच्चा परेशान हो रहा है कि टेम्पो के पास आए टीपू मेरा सी लांबियावाड़ा भूरिया उसको ढूंढ रहा है। अब ये भूरिया मेरे को दो घंटे से आंखें निकाल रहा है। मैंने कहा यार ये जिंदगी में बद्दुआ देगा, इसलिए बीच में डिस्टर्ब किया मैंने। टेम्पो के पास आए टीपू, देखो टेम्पो और टीपू आपस में कितना रिदम भी मिल रहा है, और लांबियावाड़ा भूरिया ढूंढ रहा है। शुक्रिया। हेलो क्यों उठ रही है भाई, नहीं पढ़ू क्या? ये उठ रहे हैं ये सब लोग। हेलो, बैठ जाइए आप लोग। एक दौर और इंशाल्लाह एक गजल और एक जो कलाम मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुनाना चाहता हूं। बैठ जाइए।
सरजमी पे गौतम ने, इसी जमीन पे पैदा हुई थी सीता भी, और इसी जमीन पे पढ़ते हैं लोग गीता भी, इसी जमीन पे ख्वाजा की पाक हस्ती है, और इसी जमीन पे निजामुद्दीन की भी बस्ती है, और इसी जमीन पे कन्हैया ने जन्म पाया था, अरे इसी जमीन पे राधा ने गीत गाया था कि हमारा देश भारत देश, ये हमारा देश हर देश से निराला है, और हमारे देश में कश्मीर है, हिमालय है, हम अपने देश की आन न जाने देंगे और जान दे देंगे मगर शान न जाने देंगे, जान दे देंगे मगर शान न देंगे। ये किसी किसी जादू किसी मंत्र से नहीं आए हैं, किसी जादू किसी मंत्र से नहीं आए हैं, इसी एक दरिया है समझ लो, कितनी इज्जत मिल रही देखिए, वाह 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 सुभान अल्लाह, मेहनत बोलते भाई मेहनत। हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हाथों से दामन शराफत छूट जाए, मंदिर इमारत कोई भी टूटी तो ये भारत टूट जाएगा। इतने सारे बोल दिए मेरे लिए बचाई नहीं है कि किसी जादू किसी मंत्र से नहीं आए हैं। राज साहब कहां चले गए,
मुझे छोड़ के चाय पी रहे हो, पी तो रहे हो। किसी जादू किसी मंत्र से नहीं आए हैं, एक दरिया है समंदर से नहीं आए हैं, और हमें परदेसी समझने की हरगिज भूल ना करना, इसी मिट्टी के हैं बाहर से नहीं आए हैं। के दुनिया का दिल, अरे दुनिया दुनिया का दिल भारत, ये भारत की है शान। दुनिया का ये भारत, भारत की है शान। हिंद का बच्चा बच्चा मेरे भारत पे कुर्बान। दिल भारत, ये भारत की है शान। हिंद का बच्चा बच्चा भारत पे कुर्बान। दुनिया का दिल भारत, ये भारत की है शान। हिंद का बच्चा बच्चा भारत पे कुर्बान। दुनिया का दिल भारत, ये भारत की है शान। हिंद का बच्चा बच्चा भारत पे है कुर्बान। भारत, ये भारत की है शान। हिंद का बच्चा बच्चा भारत पे है कुर्बान। हिंद का बच्चा बच्चा भारत पे है कुर्बान। दुनिया का दिल भारत, भारत की है शान। पर बल बल जाए आ जाए, किस पर बल बल जाए, इस पर बल बल जाए वो राम हो या रहमान। इस पर बल बल जाए वो राम हो या रहमान। हिंद का बच्चा बच्चा है तिरंगे पे कुर्बान। पर बल बल जाए वो राम हो या रहमान। हिंद का बच्चा बच्चा तेरे पे कुर्बान। थोड़ा मोहरा रे मां। हिंद का बच्चा बच्चा तेरे पे कुर्बान। आखरी है, क्या बात। दम टूट जाए हिम्मत टूटने न देंगे। भारत की ये दौलत लूटने न देंगे। हो टूट जाए दम टूट जाए हिम्मत टूटने न देंगे। भारत की ये भी दौलत लूटने न देंगे। अंग्रेजों से बोले गाजी टीपू सुल्तान। अंग्रेजों से बोले गाजी टीपू सुल्तान। बच्चा बच्चा मेरे पे कुर्बान। अरे हिंद का बच्चा बच्चा मेरे भारत पे कुर्बान। हिंद का बच्चा बच्चा मेरे भारत पे कुर्बान।
बैठ जाओ बैठो बैठ जाओ मन बाद में बैठो बैठो तो बैठो यकूब भाई 5 मिनट बैठो जानता हूं बैठ जाइए बैठ जाइए 5 मिनट 5 मिनट बैठो थोड़ा शार्प करो इसको क्या बात है जानता हूं कि वो खफा भी नहीं क्या बात है जानता हूं कि वो खफा भी नहीं क्या बात है कुछ दिनों से मगर मिला भी नहीं हम कहीं और दिल लगा लेते तेरे जैसा कोई मिला भी नहीं तेरे जैसा कोई मिला भी नहीं याद जो आई दिल जो धड़का तेरे बाद क्या बात है क्या बात याद जब आई दिल जब धड़का तेरे बाद क्या बतलाऊं कितना रोया तेरे बाद कैसे कहूं मैं हाल है मेरा तेरे बाद जीना है मरने के जैसा तेरे बाद ये गजल YouTube पे बड़ी मकबूल हुई 2-3 शेर सुनिएगा ऐ मेरे हेलो मेरे हदील अजीज कपिल भाई से ऐ मेरे हम सफर अमन भाई ऐ मेरे हम सफर तुझको क्या हो गया ऐ मेरे हम सफर तुझको क्या हो गया कल मिला आज मुझसे जुदा हो गया ऐ मेरे हम सफर तुझको क्या हो गया ऐ मेरे हम सफर तुझको क्या हो गया कल मिला आज मुझसे जुदा हो गया पूरी जिंदगी में नात का ऐसा मतलब नहीं सुना हो गजल में नात का मतलब है जिया अंसारी का हजरत जब नबी शबे मेराज गए नूर से नूर मिलकर जुदा हो गया नूर से नूर मिलकर जुदा हो गया नूर से नूर मिलकर जुदा हो गया नूर से नूर मिल
कर जुदा हो गया एक खुदा दूसरा मुस्तफा हो गया नूर से नूर मिल कर जुदा हो गया एक खुदा दूसरा मुस्तफा हो गया का शेर सुनिए दोनों तरफ जा रहा है ये शेर शेर देखना इंशाल्लाह जाम मीना की मुझको जरूरत नहीं 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 क्यों अरे जाम मीना की मुझको जरूरत नहीं जाम मीना की मुझको जरूरत नहीं इनसे नजरें मिली तो नशा हो गया जाम मीना की मुझको जरूरत इनसे नजरे मिली तो नशा हो गया ये जो गरीब नवाज के खादिम बैठे हैं मेरे बाजू में इनकी जिंदगी मेरे सरकार के टुकड़ों पर पलती है और ये क्या हम सारे फनकारों की और सारे हिंदुस्तान वालों की तेरे टुकड़ों पे पलते हैं ख्वाजा पिया मैंने पढ़ा था शेर देखिएगा इंशाल्लाह सारी रात का बेहतरीन शेर है ये मेरी नजर में उनके कोरस मत करना उनके कदमों में मुझको जगह मिल गई 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 जिंदा रहने का एक आसरा हो गया उनके कदमों में मुझको जगह मिल गई जिंदा रहने का एक आसरा हो गया चले जाना ये शेर सुन के आपने कह दिया आज अपना मुझे नदीम आपने कह दिया आज अपना मुझे 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 हक मेरी बंदगी का अदा हो गया YouTube पे देखिए YouTube पे देखिए शेर लड़कों ने कितना पसंद किया है मैं तो मजबूर था मैं तो मजबूर था अपने हालात से मैं तो मजबूर था
अपने हालात से मैं तो मजबूर था अपने हालात से। वो समझता है मैं बेवफा हो गया, मैं तो मजबूर था। वो समझता बेवफा हो गया, पर इनका बड़ा शुक्रिया। आप भी लोग आए, बड़ा शुक्रिया। ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, बहुत शेर है इसके लेकिन वक्त नहीं है। क्या बात। बरसात देखिए, बरसात देखिए। तेरी यादों की बरसात होने लगी, क्या बात है, होने लगी। तेरी अजनबी का इंतजार है, मैं क्या करूं, अजनबी से मुझे प्यार है। भैरवी देखिए। तेरी यादों की बरसात होने लगी, असलम भाई, असलम साबरी, तेरी यादों की बरसात होने लगी, क्या बात है। बेटा सिर्फ तू एक्शन करना जानता है, आवाज निकालना नहीं जानता। आवाज निकालना बहुत बड़ा फन है। तेरी यादों की बरसात होने लगी, ये वो सुर है। तेरी यादों की बरसात होने लगी, होने बरसात होने लगी। तेरी यादों की बरसात होने लगी, तेरी यादों की बरसात होने लगी। जख्म दिल मेरा फिर से हरा हो गया, ये इम्तियाज भाई की फरमाइश है। शहादत का एक शेर, गुलजार भाई सलामी पढ़ रहा हूं। कसम खुदा की शहादत के सिर्फ तीन शेर सुनिए, इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। क्योंकि जो इश्क हुसैन रखता है वो शहादत जरूर सुनता है। Thank you.
हाँ बैयत असर यही था तकाजा यजीद का, महरूम फिर भी कोई सवाल ही नहीं गया। बैयत न की हुसैन ने सर दे दिया उसे, उस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। उस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया। खुदा की जान मोहम्मद के चैन रहते हैं, अली व फातिमा के नूरे ऐन रहते हैं, हमारे दिल में तुम आना तो बावजू आना, ये वो मकान है जिसमें हुसैन रहते हैं। हक निभाना गुलजार भाई, हक निभाना, हक निभाना मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है, हक निभाना मेरे मेरे हुसैन अकबर। हजरत हक निभाना मेरे हुसैन का है, याकूब भाई सरकारे मदीना सजदे में है और नबी का नवासा पुश्त पर बैठा है, तो नबी ने सजदे को तवील किया और 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला आपने पढ़ा, सरकार ने पढ़ा, ताकि मेरा नवासा कहीं गिर ना जाए। और जब सजदे से उठा तो अपने कंधे पर हुसैन को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को कंधे पर बिठाया और जा रहे तो जिब्रील ने क्या कहा, रहमत बरस रही है और नूर छा रहा है, राहों में हर फरिश्ता पलकें बिछा रहा है, शब्बीर पुश्त पर है जिब्रील कह रहे हैं, कांधे पे मुस्तफा के इस्लाम जा रहा है, कांधे पे शहादत। पाकिस्तानी शौराओं के शेर हैं इसमें गुलजार भाई, सिर्फ 3 शेर पढ़ रहा हूं। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन में ऐसा शेर शहादत का मैंने नहीं पढ़ा। और बंदों से भी कहा कि मैं भी दरूद पढ़ता हूं, तुम भी दरूद पढ़ो। शेर देखिएगा, जिस पे खालिक दरूद पढ़ता है, दरूद पढ़ता है ऐसा नाना,
ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। किसानों की वजह से हिंदुस्तान में ये रोशनी है, मगर शायर ने देखिए कहा है, जो जमीन पर क्या बात है, अनाज उगता है, जो जमीन पर अनाज उगता है, दाना 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 मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है। बहुत शुक्रिया, सदका हुसैन मिला है मुझे, क्योंकि फिर नमाज कौन कौन पढ़ता है, सब पढ़े, लेकिन फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, नमाज 1400 सालों से इंतजार में है कि हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। अल्लाह अकबर, ये देखिएगा जो मुझे बेहद पसंद है, जिनकी खातिर ये कायनात बनी, क्या बात क्या बात, जिनकी खातिर ये कायनात बनी, वो घराना मेरे हुसैन का है, मेरे हुसैन का है।